प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली में शामिल हुए। दरअसल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने दो परिवर्तन यात्रा निकाली है। दंतेवाड़ा और जशपुर से शुरू हुई यह यात्रा प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में पहुंची। दोनों परिवर्तन यात्राओं को समापन एक साथ शनिवार को बिलासपुर में हुआ। परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जय जोहार। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो। परिवारजनों, अटल जी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। ये भाजपा है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये राजस्व की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई थी। यानी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो,
दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान बच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के